ये बजट। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें फास्टैग को लेकर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि टोल पर स्कैन मशीन खराब होने से संबंधित नियम, स्कैन मशीन खराब हो तो नकद भुगतान के लिए वाहन स्वामी को नहीं किया जा सकता बाध्य, बशर्त वाहन पर लगा हो एक्टिव फास्टैग। NHAI के स्तर पर सभी टोल पर नियम जो है ये सर्कुलेट किया गया है। तो आपको बता दें और ये खबर आपके लिए, आमजन के लिए और सभी वाहन चालकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि यदि आपकी गाड़ी टोल नाके से गुजरती है और उस टोल नाके के जो स्कैन मशीन है जहां पर आपका फास्टैग स्कैन होना है, अगर वो खराब होती है तो ऐसी स्थिति में आपको नकद भुगतान के लिए वाहन स्वामी को, यानी कि जो गाड़ी चला रहा है या जिसको टोल देना है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। पर शर्त ये रहेगी कि आपका जो फास्टैग है वो एक्टिव हो। आपको बता दें NHAI के स्तर पर सभी टोल पर इस नियम को सर्कुलेट किया गया है। तो यदि जैसा कि अक्सर टोल नाके पे ये समस्या भी खड़ी हो जाती है कि जो स्कैनिंग मशीन है वो स्कैन नहीं कर पाती है फास्टैग को, हालांकि फास्टैग एक्टिव होता है, तो ऐसे में ये बड़ा नियम सर्कुलेट किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, ये समस्या काफी आम हो चुकी थी, कई लोगों की समस्याएं थी कि स्कैन मशीन खराब है, बड़ी बड़ी लाइनें हो जाती थी वाहनों की और उसके बाद भी जो वाहन स्वामी था उसी को नकद भुगतान करना पड़ता था, तो ऐसे में ये अच्छी खबर आमजन के लिए। बिल्कुल आयुषी, देखिए क्या होता है कि जब स्कैन मशीन जो लगी होती है टोल प्लाजा पर, कई बार मौसम का जो इफेक्ट होता है उससे भी, अगर फॉग ज्यादा है या इस तरह का कोई मिस्ट या डस्ट तक की इस तरह की स्थिति है जिसमें कि अच्छी तरह से प्रॉपर स्कैन नहीं हो पा रहा, तो उसमें मजबूर किया जाता था टोल प्लाजा द्वारा उसको वाहन स्वामी को नकद भुगतान करे, और वो भी कई बार डबल भुगतान की भी स्थिति बनती थी कि उससे दोहरा टोल लिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और स्पष्ट कर दिया NHAI ने कि जिसकी भी, जिस वाहन स्वामी के वाहन के ऊपर एक्टिव फास्टैग लगा है जिसके अंदर पर्याप्त धनराशि मौजूद है टोल देने की, उसको अब जबरदस्ती नहीं की जा सकती उसके साथ। अगर स्कैन मशीन खराब है तो उसको, अगर वो पहुंच रहा है टोल के ऊपर तो उसके ऊपर एक्टिव फास्टैग होकर उसको निकाला जाएगा, उसको नकद भुगतान के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है, क्योंकि देखिए प्रदेश के अंदर 95% वाहनों पर एक्टिव फास्टैग इस समय लग चुके हैं और 89 जो टोल प्लाजा है NHAI के, उन सब पर फास्टैग ऑनलाइन फास्टैग लेन कर दी गई। तो ऐसे में जरूरी था कि इस तरह का नियम निकाला जाए ताकि जो मैनुअल हैंडलिंग होती थी उसको पूरी तरह से रोका जाए। तो इस नियम के बाद निश्चित तौर पर राहत मिलेगी और वाहन स्वामी के लिए अच्छी खबर है, अगर उसके पास एक्टिव फास्टैग है तो उसको नकद भुगतान के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जा सकता। जी निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो NHAI के स्तर पर ये बड़ी नियम से जुड़ी, ये बड़ा जो नियम है वो सर्कुलेट किया गया है।